इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन पालम गांव दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन जंगपुरा भोगल दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन भोगल आश्रम दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन रोहिणी दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन पहाड़गंज दिल्ली। उसका अहम, उसका बहम, उसकी दूसरों से अपेक्षा ज्यादा। आज के समय में इंसान जो दुखी हो रहा है, कोई अहम के कारण दुखी हो रहा है, कोई बहम के कारण दुखी हो रहा है, और कोई दूसरों से अत्यधिक अपेक्षा होने के कारण दुखी हो रहा है। भूख से इंसान उतना दुखी नहीं है, धन से इंसान उतना दुखी नहीं है, तन से इंसान इतना दुखी नहीं है जितना कि वर्तमान में आज का इंसान अपने अहम के कारण, अपने बहम के कारण और उसके बाद दूसरों से अत्यधिक अपेक्षा होने के कारण हो रहा है। कई बार मैं देखता हूं, सोचता हूं कि इंसान मंदिर जी में आ रहा है, घर परिवार में जा रहा है, मित्र मंडली में जा रहा है, संतों के पास में जा रहा है, तो उसके मन में जब तक बेचैनी रहती है, जब तक बेचैनी रहती है, जब तक बेचैनी रहती है, जब तक उसको कोई पूछ ना ले कि कितने सुंदर कपड़े पहने, कितना अच्छा गले का हार है, कितनी अच्छी मुद्रिका है, अंगूठी है, कितना अच्छा फोन है, जब तक उससे कोई व्यक्ति पूछ ना ले, जब तक उसको पार्टी का, महफिल का, समाज का कोई मजा आता ही नहीं है। अरे भाई, तुम पार्टी में, महल में, मंदिर में, समाज में, गुरुओं के पास जाकर दिखाने के लिए गए थे कि वहां पर जाकर अपने आप को दिखने के लिए गए थे? ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुने आप लोग, कि जब मंदिर में आओ तो प्रभु को देखने के लिए आओ। मंदिर में जब भी आते हो तो यहां पर किसी को कुछ दिखाने के लिए मत आओ, बल्कि मंदिर में आओ, गुरु के पास आओ, जिनवाणी माता के पास आओ, तो अपने आप को देखने के लिए आओ कि हम लोग कहां पर हैं और कहां पर नहीं हैं। जब किसी महफिल में जाओ, किसी शादी पार्टी में जाओ, तो वहां पर भी देखने के लिए जाओ। अर्थात क्या देखने के लिए? यह नहीं कि वहां पर कितने सुंदर व्यंजन बने हैं, बल्कि वहां पर यह देखिए कि उतने सुंदर व्यंजनों में से कितने ऐसे लोग हैं जो उस समय रात्रि को भोजन नहीं कर रहे हैं, अनर्गल पदार्थों का सेवन नहीं कर रहे। ये आप देखोगे तो आप पाओगे कि हम इनसे तो कम से कम सीख लें। लेकिन आज इंसान दुखी है तो मेरा अहम, मेरा बहम। अरे अहम तो किसी का नहीं रहा, तुम किस खेत की मूली हो, और मूली नहीं मामूली हो। अहम तो अच्छे अच्छों का नहीं रहा, तो तुम किस खेत की मूली हो, और मूली भी नहीं मामूली हो। विचारनी बात है। मामूली में से मां को निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? मामूली में से मां को निकाल दे तो क्या बचता है? मूली बचता है। और मूली में से मां को निकाल दिया जाए पीछे वाले तो क्या बचता है? बीच वाले मुंह को निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? क्या बचेगा? मालूई बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो इंसान ज्यादा दिक्कत करने की पोजीशन करता है तो एक ना एक दिन माली बन जाता है। कभी कोई बागवान का माली बन जाएगा, कभी कोई पार्क का माली बन जाएगा, कभी कोई घर का चौकीदार बन जाएगा। ये कब होता है? कि जब इंसान ज्यादा अहम करता है ना, कि मैं ऐसा, मैं वैसा। अरे अहम किसका?
रास्ते में जब हम लोग बिहार करते हैं उस समय बैलगाड़ी देखने को मिलती है, आजकल कम मिलती है, पहले बहुत मिलती थी बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी जब चलती थी तो उसके ईच एक कुत्ता भी चला करता था, आपने देखा होगा। बैलगाड़ी जब चलती थी तो उसके नीचे कुत्ता भी चला करता था। कुत्ता सोचता था कि मैं बैलगाड़ी को चला रहा, और जैसे ही बैलगाड़ी का चालक कहीं भोजनशाला में ढाबे में भोजन करने के लिए रुकता और कुत्ता सो जाता, और जब उसकी नींद खुलती तो देखता तेज हॉर्न बज रहा है, बैलगाड़ी तो चल पड़ी और ये सोता रह गया, तो उसका अहम समाप्त हो जाता है कि मैं सोच रहा था कि बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं, अपितु मैं बैलगाड़ी को नहीं चला, बैलगाड़ी मुझे छाया दे रही थी। यही तो हमारा अहम है कि मैं ऐसा, वह ऐसा, अरे तुम कुछ भी नहीं हो, क्या है। आज इंसान बहम कर रहा है, बहमी हो चुका है। आज के समय में इंसान भोजन करना छोड़ रहा है लेकिन बहम को करना नहीं छोड़ रहा, और मैं कहता हूं अहम बहम को छोड़िए और भोजन करना प्रारंभ कीजिए। दूसरों से अपेक्षाएं इतनी बढ़ चुकी हैं। भाई ध्यान रखिए, खिचड़ी में घी गिरता है तो कहां गिरता ही मालूम नहीं, लेकिन पूरी खिचड़ी में मिल जाया करता है। अरे बात छोटी सी है, तुम किसी के जय जिनेन्द्र करने का वेट क्यों करते हो, किसी के नमस्कार करने का वेट क्यों करते हो, तुम तो अपने आप से उसको नमस्कार करिए ना। वह नमस्कार करेगा तो भी तुमको हाथ जोड़ना पड़ेंगे, और तुम नमस्कार करोगे तो भी उसको हाथ जोड़ना ही पड़ेंगे। एक व्यक्ति महफिल में आया, श्रीफल की टोकरी साथ में थी, तो जैसे ही संत की नजर उसके पास जाती वो टोकरी लेके खड़ा हो जाता, जैसे संत की नजर वापिस जाती वो टोकरी लेकर बैठ जाता। ऐसा कम से कम 20-25 बार हो गया। तो महाराज ने उसको बुलाया, बोले टोकरी छोड़ के आना, बोले टोकरी छोड़कर आना। वो गया, बोले क्या बात है, ये टोकरी क्यों लाए हो। बोले महाराज जी आपको पता नहीं है। बोले क्या। बोले ये टोकरी तो मैं पिछले 3 दिन से लेकर आ रहा हूं, ये टोकरी तो मैं पिछले 3 दिन से लेकर आ रहा हूं, तो बोले चढ़ाते क्यों नहीं हो। बोले महाराज जी ये मैं 7वें दिन चढ़ाऊंगा। बोले मैं ये टोकरी 7वें दिन चढ़ाऊंगा। बोले 7वें दिन क्या। बोले 7वें दिन आपकी पूजा होगी ना, जयमाला जब होगी तो उसको टोकरी लेकर आऊंगा। तो महाराज बोले फिर रोज लेकर क्यों आते हो। बोले महाराज जी मैं लेकर आता हूं तो लोग मुझे धर्मात्मा समझते हैं, कितना धर्मात्मा है कि टोकरी ले लेकर श्रीफल आ रहा है, टोकरी भर भर के श्रीफल। अरे क्या है, मायाचारी है। यही तो मायाचारी है संसार में, कि आप यहां पर आके बैठे, किसी ने कह दिया आप तो बड़े धर्मात्मा हो, रोज मंदिर आते हो, आपने कहा हाँ हाँ आता हूं, यही तो मायाचारी हो गई। क्यों कर रहे हो ऐसा। आप लोगों से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जहां पर अपेक्षा होती है वहां पर उपेक्षा हो जाया करती है। और आप अपना कार्य करिए ना। अंतर कितना सा है, पानी फ्रिज में से आपने निकाल के पी लिया कि किसी ने फ्रिज में से निकालकर आपको दे दिया, पीना तो गले से ही है। और ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को प्यास होती है वह किसी के पानी लाने का इंतजार नहीं करता, खुद पी लेता है। एक बार एक भिखारी मांगने के लिए निकला, एक बड़े से बंगले में घंटी बजाई, अंदर से सेठ आया, बोले कुछ दे दीजिए। सेठ ने बोला कुछ भी नहीं है। बोले कुछ खाने को ही दे दीजिए। सेठ ने बोला कुछ भी नहीं, चले जाओ। थोड़ी देर बाद फिर आया, बोले सेठ जी कुछ फल फूल ही दे दीजिए। बोले कुछ भी नहीं है, चले जाओ। कुछ देर बाद फिर आया, बोले सेठ जी पानी पीने को ही दे दीजिए। बोले कुछ भी नहीं है, चले जाओ। कुछ देर बाद वह फिर आया, सेठ जी बोले तुझे समझ में नहीं आता, मेरे पास रुपया नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पास में भोजन नहीं है, मेरे पास में फल फूल सब्जी नहीं है, मेरे पास में पानी देने को नहीं, तो क्यों आता है बार बार। बोले सेठ जी पास में आइए। बोले सेठ जी पास में आइए। बोले क्या बात है। उसने अपनी झोली में से एक कटोरा निकाला, बोले कटोरा पकड़िए। क्या कहा, ये कटोरा पकड़िए। बोले कटोरा क्यों। बोले जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो मेरे पीछे पीछे चलिए, बहुत कुछ मिल जाएगा। जब आपके पास में कुछ भी नहीं है तो मेरे पीछे पीछे चलिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी धर्म कार्य में आपसे कोई समाज का व्यक्ति निवेदन करता है कि ये कार्य करिए, तो ये मत बोलिए मेरी व्यवस्था नहीं है। बोले अभी मैं नहीं कर पाऊंगा।
समझ रहे बात को? आपसे कोई मांगने आ रहा है तो आप मतलब मेरे पास देने के लिए नहीं, बल्कि ये बोलिए कि अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, बस। आप क्यों अपने आप को तुच्छ समझते हो? वह भिखारी ने क्या किया? बोले तुझसे अच्छा तो भिखारी मैं हूं, मेरे पास कटोरा तो है। ऐसा मत करिए। प्रभु के दरबार में अवसर लोगों को बहुत कम मिलता है, लेकिन आपको अवसर मिल रहा है। आपको लोगों ने इस योग्य समझा है कि आपको कह रहे हैं। आप कहिए अभी मेरी व्यवस्था जैसी होगी मैं बताऊंगा। आप क्यों अपने आप को निर्बल समझते हैं? पहले के ग्रंथों में उदाहरण आते हैं कि व्यक्ति महाराज जी के दर्शन करने जाता था और महाराज जी कहते थे तुमको सिद्ध चक्र माहौल विधान कराना है। ऐसे मैंने साक्षात उदाहरण देखे हुए हैं। कहते हैं आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जिनकी सम्मेलन शिखर जी में समाधि मरण हुआ है, उन्होंने महाराष्ट्र में एक व्यक्ति को बुलाया, बोले तुम्हें सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पाठ करना है। उसने महाराज जी को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर जाकर बोला महाराज जी ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का कहा है और मेरे पास तो 5,000 रुपए भी नहीं है, पाठ कैसे होगा? ये बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं जो मैंने सुनी है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कच्चा पक्का नाम इसे बता नहीं रहा हूं आपको आदमी का, तो कैसे पाठ होगा? तो उनकी पत्नी धर्म की स्वभाव की थी, बोले महाराज जी ने कहा है तो सोच समझ कर ही कहा होगा, देखते हैं क्या होता है। कोई बात नहीं, नहीं होगा तो हम लोग 10-5 आदमी बैठ के पाठ कर लेंगे। वो बताते हैं कि उस दिन महाराज जी का कहना था और भाव बन गए कि पाठ कराना ही है। गुरु आदेश पालन करके पाठ कराने के भाव हो गए। तो कहते हैं कि कुछ दिनों बाद, 2-3 दिन बाद उनके व्यापार में ऐसा काम हो गया जो बहुत समय से सोच रहे थे करना है करना है करना है, और ऐसा काम हो गया कि पूरे उन्होंने शहर का जीवन कराया। इतना बड़ा उनका शिक्षक विधान का पाठ हुआ कि 1983 की बात को लोग आज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज के मुख से निकल गया था और उन्होंने मना नहीं किया, बोले ठीक है महाराज जी हम करेंगे। उसका फल अपने आप हो जाता है। जिस तरह से घर में जब बालक बालिका का जन्म होता है तो उसकी व्यवस्था वह अपने साथ में लेकर आता है। इसलिए कोई आपको अवसर दे रहा है, मना मत करिए। आप कहिए अभी मेरी व्यवस्था जैसी होगी मैं कार्य करूंगा, नहीं है आप उसको आगे समाचार दे दीजिए, लेकिन कम से कम होने के बाद आपको नहीं जी मेरी तो व्यवस्था ही नहीं है, बड़े बहुत सारी चीजें साथ में लग गई। ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा कह के अपने आप को क्यों निर्धन बना रहे हो? और ध्यान रखना, पूरी दुनिया में इंसान क्या करता है? धन धन धन, जो बच्चे से बूढ़ा बूढ़े से जवान, कहीं भी जाओ कहीं पर भी जाओ, धन धन की बात, धन धन की बात, धन धन की बात है। और ये धन धन की बात कब तक है? ये धन धन की बात कब तक चलती है? जब तक इंसान का निधन नहीं हो जाता। जब तक क्या होता है? धन धन की बात चलती है, जब निधन हो जाएगा तो धन समाप्त, सारी की सारी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, सारे सारे कार्य समाप्त हो जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में जब भी अवसर मिले आप उस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि जिंदगी में ये जीवन है, यहां पर आपको बार 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 मौके नहीं मिलते। जिंदगी में धोखे धोखे तो प्रतिपल प्रतिक्षण मिल रहे हैं, लेकिन मौके इंसान को कभी कभार मिलते हैं, और जब भी मौका मिले उस अवसर का लाभ उठाएं। बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं, बहुत सारे लोग संतों के पास में जाते हैं, बहुत सारे लोग जिनवाणी का श्रवण करने के लिए जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को तो साधु महाराज नहीं कहते ना कि ऐसा काम करो। आपको यदि कोई संत कोई विद्वान कोई क्रिया करने के लिए कह रहे हैं तो आप समझना कि आपके कौन से जीवन का पुण्य उदय है, क्योंकि यहां पर आप आते हो तो भगवान के भक्त कहलाते हो, लेकिन रेस्टोरेंट में जाकर भोजन करते हो तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। रेस्टोरेंट में चाय पीने वाला व्यक्ति भी और सबसे बड़ी होटल की डिश खाने वाला व्यक्ति उस रेस्टोरेंट का ग्राहक होता है, लेकिन जो व्यक्ति मंदिर में अंदर आ जाता है वह भगवान का भक्त कहलाता है, गुरुओं का भक्त कहलाता है, पुजारी कहलाता है, लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कभी आपने देखा चौकी में जब आप साधुओं को हार देते हो, देने वाले कम और देखने वाले ज्यादा होते हैं, लेकिन कम होने के बाद भी इन लोगों को बड़े उच्च दृष्टि से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुद्धि के वस्त्र पहन लिए हैं, गुरुओं की परिचर्या कराने के लिए जा रहे हैं, तो लोग उनको देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने परिचर्या करा ली, और यदि आपने परिचर्या कराने के लिए वस्त्र नहीं पहने होते तो आप भी लाइन में बोलते दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपने यह कार्य किया। तो जिंदगी में मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिंदगी में सुखी होना है तो अहम को छोड़िए और वहम को छोड़िए और दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। अरे कोई क्यों बुलाएगा,
बुलाए ना बुलाए हमारा काम है। भगवान के दर पर मुझे बताइए, आप लोग बोलते उसने मुझे बुलाया नहीं तो मैं गया नहीं, और जब भगवान का बुलावा आएगा जब क्या करोगे? भगवान के बुलावा कोई, भगवान का बुलावा कोई नहीं चाहता, और अपने मोहल्ले पड़ोस वाले का बुलावा चाहे तो क्या है? अरे भगवान के बुलावे पर जाने में शर्म लगती है और पड़ोसी के बुलावे पर जाने में आनंद फील होता है। तो अपने जीवन में सुखी होना है तो अहम को छोड़िए, बहम को छोड़िए, दूसरों से अपेक्षा करना छोड़िए, क्योंकि जिंदगी में हर इंसान बहुत मामूली है, और मामूली नहीं मूली है, और जब मूली में से जब बीज की हट जाती है तो इंसान माली बच जाता है। तो बागवान ना बने, माली ना बने, बागवान बने तो प्रभु के दरबार के बागवान बने, प्रभु के पास जाने का प्रयास करें, जीवन का कल्याण होगा और आपका जीवन अहर्निश भाव से सारा का सारा काम संपन्न होगा। मामूली कि जो मामूली होता है उसमें से मुंह को हटा दें तो बचता है माली, कि माली बने लेकिन भगवान के चरणों के माली बने, नहीं तो जिंदगी में मूली में भी क्या होता है, लोग मूली भी काम किया जाती है, नीचे पत्ता भी दे देती है भोजन को, लेकिन आप लोग मत खाना, मूली तो जमीकंद होती है। अब अक्षतिबंध में हम लोग जैन धर्म में मूली को त्याग बताया गया है, लेकिन बता रहा हूँ कि मूली भी उपयोग में आ जाती है, कई बार नीचे भी और ऊपर भी कई जगह काम दे जाती है, और लेकिन हम लोग क्या मूली से भी गए, मूली से भी गए होते हैं, मामूली है मात्र। अहम बहम को छोड़िए, दूसरों की अपेक्षा छोड़िए, जीवन कल्याण होगा। इति अल्पम गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली,